सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 नवंबर को प्रयागराज दौरे पर आ रहे हैं। सीएम योगी परेड मैदान में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और संगम नगरी प्रयागराज को 1294 करोड़ की परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। सीएम योगी 325 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 969 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी 2023 में लगने वाले माघ मेले और 2025 के महाकुंभ मेले को लेकर भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। प्रयागराज में जो अच्छे कार्य हुए हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री भी इस कार्यक्रम में सीएम के सामने प्रदर्शित की जाएगी। सीएम के दौरे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ ही बीजेपी के विधायक और सांसद गण भी मौजूद रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर परेड मैदान में तैयारियां तेज कर दी गई है। परेड मैदान में हैंगर पंडाल लगाया जा रहा है जिसमें तकरीबन 10,000 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि अनुमान के मुताबिक इस कार्यक्रम में 14,000 से 15,000 लोगों के आने की संभावना है। सीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद कमिश्नर विजय विश्वास पंत और आईजी डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, डीएम संजय खत्री और एसएसपी शैलेश कुमार पांड्या के साथ परेड मैदान पहुंचे। आला अधिकारी होने परेड में बनाए जा रहे मंच और अन्य तैयारियों का जायजा लिया है। डीएम संजय खत्री के मुताबिक सीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर परेड मैदान पर सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी का 24 तारीख को प्रबुद्ध जन सम्मेलन होने वाला है, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होना है और इस पर हम लोग लगभग 1294 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी कराएंगे और इसमें जो हमारे प्रयागराज जनपद के प्रबुद्ध जन हैं वो इसमें शामिल होंगे और इसके अलावा जो हम लोगों ने कार्यक्रम में शामिल किया है तो कुछ लाभार्थियों का हम लोग यहाँ प्रमाण पत्र वितरण भी कराएंगे। कुछ जो अच्छे कार्य हैं प्रयागराज में हुए हैं या स्टेट लेवल के हुए उनके संबंध में कुछ मूवीज़ का प्रदर्शन भी होगा और हमारे डिप्टी सीएम साहब और मंत्रीगण भी इसमें शामिल होंगे। तो ये काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और जनता को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की सौगात भी मिलने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कुंभ और माघ मेले की समीक्षा भी 24 तारीख को होनी है तो उसके संबंध में जो जो हमारे प्लान हैं जो उन पर अब तक क्या क्या कार्रवाई हुआ, फ्यूचर में हम लोग किस तरीके से जो हमने प्लान किया उनको कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों पर बात होगा और आगामी माघ मेला में हमारी क्या क्या तैयारियाँ और विभिन्न विभागों जिनमें PWD है, विद्युत है, जल निगम है, इन सारे डिपार्टमेंट ने अपनी क्या क्या तैयारी की है तो उन सारी चीज़ों का हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। जो उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होगा तो हम उसके अनुसार कार्य भी करेंगे। थैंक यू। वहीं SSP शैलेश कुमार पांड्या के मुताबिक टीम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सिविल पुलिस और PAC के साथ ही सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों और इंटेलिजेंस के कर्मियों को तैनात किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिनांक 24 नवंबर के प्रस्तावित कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। चाहे वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का जो स्थान है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, मीटिंग की सुरक्षा व्यवस्था, रूट की व्यवस्था, हेलीपैड तथा अन्य जो व्यवस्थाएँ हैं वो पुख्ता रूप से सुनिश्चित की जाएगी। इसमें सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट, PAC का डिप्लॉयमेंट, उसके अलावा जो हमारे सादे में इंटेलिजेंस की टीमें लगती हैं उनका डिप्लॉयमेंट, इसके अतिरिक्त यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसको लेके भी व्यापक प्रबंध यातायात पुलिस का रहेगा। इसमें